जस टीवी देखते सारे दर्शकों, मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैली हुई है, उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली जो USA में रहते हुए इंडियन नेशनल्स हैं, उनको क्या जानकारी इस टाइम मिलनी चाहिए काउंसलेट की तरफ से, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए वेलकम करने में न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल जनरल मिस्टर Sandeep Chakraborty. Thank you so much, Chakraborty ji. Ambassador, you have opened up the consulate to make sure that members of the media can get important information out to the community right now. Is time itni zyada uncertainty hai. Sabse pehle thank you aapka for taking the time to get this program out. Thank you. I am very happy to be on Just TV. Jaise aapne bataya Indian Americans ka, तो भारतीय मूल के जो लोग यहाँ रहते हैं, दे आर डबली अफेक्टेड इन द सेंस दैट जो अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है उससे प्रभावित हैं, और भारत में उनके परिवार के लोग, चाहने वाले लव्ड वंस लिव इन इंडिया, सो भारत में जो है उससे भी अफेक्टेड है। सो बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन को समझें और कामली इसको टेक करें, बिकॉज इफ़ यू पैनिक एंड इफ़ यू make any action or decision which is not what our experts are advising us, it can create a lot of difficulty for everybody. Ambassador, there has been a lot of mailers going out via email from the embassy jo kafi important information ko is time spread karne ki koshish kari, specifically in regards to travel changes. Travel is one of the biggest, hardest hit things globally because of coronavirus. Is time pehle aap hame bataiye jo United States mein rehne wale, specifically aapki jurisdiction tri-state area ki padti hai, jo yahan pe reh rahe hain इंडियन नेशनल्स, अगर उन्होंने इंडिया में इस टाइम ट्रैवल करना हो, जो रीसेंट रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क से निकली हैं उसके बावजूद उनको इंडिया में ट्रैवल करने के लिए क्या इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना वायरस को अगर डिफीट हमने करना है तो हमें स्टे एट होम करना है। वी हैव टू स्टे एट होम, वी हैव टू बी वेयर वी आर, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वी हैव टू बी इन आइसोलेशन। मोमेंट वी स्टार्ट ट्रैवलिंग, दिस वायरस विल स्प्रेड। In fact, it has spread to India and to the United States by travel only. Italy में जो हाल हुआ है आपने देखा है, वो ट्रैवलिंग से हुआ है, तो हमें उसको दोहराना नहीं है। इफ़ यू सी द एडवाइजरी ऑफ आर लीडरशिप इन इंडिया, द एडवाइजरी ऑफ आर लीडरशिप ऑफ द लीडरशिप इन द यूनाइटेड स्टेट, चाहे वो प्रेजिडेंट ट्रंप हो, चाहे गवर्नर कोमो हो, मेयर डिब्लासी हो, गवर्नर फिल मर्फी हो, सब यही कह रहे हैं कि आप घर पर रहिए, आप सोशल इंट्रैक्शन को कम कीजिए, उससे ये वायरस की जो कमर है वो टूट सकती है। अभी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। दो बातें हुई हैं, एक ये है कि जो वीज़ाज थे वो भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया टेम्पोररीली, तो 15 अप्रैल तक आपके पास, चाहे अगर OCI कार्ड हो या अमेरिकन नेशनल है, तो अगर इंडियन वीज़ा हो, वो अभी इसका कोई मान्य नहीं है 15 अप्रैल तक। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से संडे 22 तारीख 1200 आज GMT जो सुबह के यहाँ 5:30 बजे होते हैं, उसके बाद कोई भी फ्लाइट इंडिया में लैंड करने की अनुमति नहीं है। सो टुडे वाज द लास्ट फ्लाइट टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम एनी डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो है पाबंदी, ये एक हफ्ते तक रहेगी, सो 22 से लेकर 29 तक। उसके बाद भारत सरकार इसका मूल्यांकन करेगी, एंड अगर हमें लगता है कि हम लोग इसको कंटेन कर पाए, देन द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन। सो एट द मोमेंट माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल योर व्यूअर्स इज स्टे एट होम, स्टे इन आइसोलेशन, डू नॉट हैव सोशल कॉन्टैक्ट, डू नॉट मेंटेन डिस्टेंस विथ योर इवन विथ योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज एवरीबडी इज़ ए पोटेंशियल कैरियर। हम हर, देखिए हम दोनों बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 6 फुट का डिस्टेंस रखा है, कैमरामैन के साथ भी 6 फुट का डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक दूसरे से ही फैलता है, और अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हम इसको फैलना को रोक सकेंगे, उसी से हम इसको जीत पाएंगे। राइट, सो 15 अप्रैल तक इंडिया में बिल्कुल ट्रैवल का इस टाइम मंडे से लेके मिडनाइट से लेके ट्रैवल का बैन है इंटरनेशनली, राइट? अगर कोई किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस होगी और इज इट अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, ये जो वीज़ा सस्पेंशन हुआ था ये 11 मार्च को हुआ था, तो 11 मार्च से लेके कल तक, और इनफैक्ट आज तक, हम लोगों ने इमरजेंसी केसेस में वीज़ा दिए हैं।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की, इसमें करीब 2 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और दुर्भाग्यपूर्वक इसी एरिया में सबसे ज़्यादा प्रकोप है. इफ़ यू सी द मैप विच केम आउट इन न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑल द रेड डॉट्स आर मोस्टली इन दिस एरिया. सो इट इज़ ए हाईली अफेक्टेड एरिया, एंड ऑल्सो आवर इंडियन पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट हियर. सो वी हैड लॉट्स ऑफ केसेस. वी वर सरप्राइज टू सी द नंबर ऑफ इमरजेंसी केसेज दैट अरोज. वी इवेल्युएटेड एवरी केस. वी हैड इंस्ट्रक्शंस टू गिव वीज़ाज इन कंपेलिंग केसेज, जहाँ पे ग्राउंड थे. तो हम लोगों ने काफ़ी छानबीन करके हम लोगों ने हर केस को सिंपैथेटिकली एंड कंपैशनेटली लिया, और हम लोगों ने वीज़ा दिया. इस वक्त थोड़ी पाबंदी इसलिए कर दी है मंडे से, क्योंकि एक तो क्या है, हमें यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की बात सुननी पड़ेगी. गवर्नर कोमर्स अनाउंस दैट फ्रॉम 8 PM दे विल बी टोटल लॉकडाउन एंड शेल्टर एट होम. सो हमको सर्विसेज मेंटेन करने में दिक्कत आएगी. अभी तक तो हम किसी तरीके से एट सम रिस्क वी वर रनिंग द सर्विसेज, बट उसमें प्रॉब्लम होगी. दूसरी बात यह कि वीज़ा दे भी देंगे तो ट्रैवल कैसे करेंगे? दे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल. सो वी आर वेटिंग फॉर न्यू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिल्ली. वी आर फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज आई बिलीव दैट ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं और एडवाइजरीज जो हम निकाल रहे हैं समय समय पर, यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए है. इसमें कोई ज़्यादा एजिटेटेड होने की ज़रूरत नहीं. ये आपको कुछ डिनायल नहीं है, ये हम आपको रोक नहीं रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है. ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर वालों के स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि हर आदमी पोटेंशियल कैरियर हो सकता है. आप ट्रैवल करेंगे तो या तो आप प्लेन में वायरस को फैलाएंगे, या प्लेन से वायरस को आप लेंगे और फिर घर जाके आप अपने लोगों को. आपने कई सारे केसेस देखे होंगे. अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई एक सिंगर है बॉम्बे की, उन्होंने कितना वायरस फैलाया है. तो हमें इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए. हमें बड़ा संभल के सावधानी से जी रहना चाहिए, especially coming out of New York, जहाँ पे इस टाइम जैसे आपने कहा इतना ज़्यादा extensive हो गया है infection का spread. At least that's what the testing numbers are showing. कि New York में जो रहने वाले लोग हैं, they should stay put, they should follow orders, because you don't know, testing kits are not available for everyone. आप अपने दौरान किसी को दे सकते हैं virus, who could be a vulnerable person. Ambassador, we're going to stop for a quick break here. Break के बाद हम ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपका जो ये ऑफिस है, एज पर गवर्नर एंड्रू कुओमोज़ गाइडलाइंस, गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, यू हैव टू फॉलो सर्टेन मेजर्स एज वेल. एंड आपको डबल ऑर्डर्स आ रहे हैं इंडिया से भी, यहाँ से भी, एंड आपको दोनों के दायरे में रह के काम करना है. सो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. इतने रुकते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं. थैंक यू. ब्रेक से बाद सबका एक बार फिर स्वागत है. बात हो रही है न्यूयॉर्क सिटी के इंडियन काउंसलेट में अम्बेसडर संदीप चक्रवर्ती से. अम्बेसडर, यू आर टेलिंग अस अबाउट द न्यू सेट ऑफ मेजर्स जो आपको यहाँ पे अब अपनाने पड़ रहे हैं, बोथ फ्रॉम द न्यूयॉर्क साइड एंड न्यू दिल्ली. सो आप थोड़ा सा हमें बताइए, जो आपका ये ऑफिस है यहाँ पे काउंसलेट का, जो आपका फिजिकल बिल्डिंग है, इसकी ऑपरेशंस कैसे चेंज होंगे? जो यहाँ के रहने वाले इंडियन नेशनल्स, क्या चीज़ें आप उनको बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नर कोमो, मेयर डी ब्लासियो, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पालन करना है, और भारतीय जो सरकार है उनके, बिकॉज ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस है. हम किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ को जोखिम में नहीं डाल सकते, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाएगी. तो हम लोग क्या कोशिश करें, लेकिन हमें वी हैव टू फ्लाई द फ्लैग. हमें अपने ऑपरेशंस बरकरार रखनी है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, एनकरेज होते हैं, तो हमें उनके साथ रहना है. हम दो तरीके से रहेंगे. एक तो हम वर्चुअली बहुत एक्टिव है. अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे, आज 3 बजे और रादर कल 3 बजे हम लोगों ने एक लाइव चैट करी थी, और हजारों की संख्या में लोग उससे जुड़े थे. सो फ्रीक्वेंटली वी विल कम लाइव ऑन फेसबुक, एंड वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी एंटरटेनमेंट. यस, वी हैव कम आउट विद अ प्रोग्राम कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग वर्चुअली कनेक्टेड. वेरी नाइस. ताकि घर में बैठ के हम किस तरीके से, क्योंकि लोग घर में रहना भी लोगों को अजीब सा लगता है. Of course. तो आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल फील एट होम इन देयर ओन होम्स. तो वो एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू करा है. एंड ये आपकी फेसबुक या वेबसाइट पे लोग एक्सेस कर सकते हैं? लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. हमारी सारे प्लेटफॉर्म्स की एड्रेस बड़ी सिंपल है, इंडिया न्यूयॉर्क. आप उससे जुड़िए, आपको सारी एडवाइजरीज मिलती रहेगी.
किसी को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, वी हैव टीम्ड अप विद ऑल आवर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस. इनफैक्ट वी आर नाउ इवन ऑफरिंग किसी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं, तो उनको अगर खाने पीने की भी दिक्कत होगी, वी हैव टोल्ड देम दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर सप्लाइज टू देम. वी हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द स्टे. We have worked with several hotel groups. हाँ जी, stay के बारे में बताइए, क्योंकि काफी ऐसे schools हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने students को कहा है कि आप dormitories में नहीं रह पाएंगे, उन्होंने बिल्कुल वो shut down कर दिया, and understandably so. So उनके लिए क्या provisions counselor ने arrange किए? हम लोगों ने ये करा है कि हम लोगों ने दो hotel chains के साथ tie up करी है कि reasonable rates पे वो students को double sharing पे होटल रूम्स देंगे. इसकी इन्फॉर्मेशन सब हमने अपने फेसबुक पेज में लोड करी है. अभी हमने एक पेंसिल्वेनिया में एक मोनेस्ट्री से बात करी है, दे आर विलिंग टू अकोमोडेट 50 स्टूडेंट्स इन देयर. सो दिस इन्फॉर्मेशन वी आर पुटिंग टुगेदर. ऑल्सो मेनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफरिंग टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रोविजंस, उसको हम उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों में डिफ्यूज कर रहे हैं. आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कोविड हेल्पलाइन है उसका इन्फॉर्मेशन आपने दर्शकों को दिखाया. दूसरी बात यह है कि हम अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करेंगे विद ड्यू प्रिकॉशंस विद रिस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ द लैंड. दूसरी बात है हम वर्चुअली, जैसे मैंने कहा. तीसरी बात है कि सर्विसेज जो हम देंगे वह बाय मेल देंगे, तो हमारी जो मिसलेनियस सर्विसेज थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेट्रा अदर थिंग्स, दोज वी हैव नाउ माइग्रेटेड टू एंटायरली मेल बेस्ड सिस्टम. एंड वी आर एडवाइजिंग पीपल टू टेक इट ईजी बिकॉज वी डोंट नो द वर्ल्ड how it will be in the coming days, and it if possible postpone your decision to apply for a service because our capacities will reduce, but we will maintain our capacity, the consulate will functional, and we will see how to deal with the matter. But you can always connect to us. Hamari jo helpline hai wo 24 hours helpline hai. Aapko koi bhi dikkat ho, please humse connect kijiye, chahe aap student ho, chahe aap traveler ho, chahe aap kuch help karna chahe, aapke paas resources hai, agar aap kisko help karna chahe, hame bataiye, hum koshish karenge aapko जो नीडी लोग हैं उनसे कनेक्ट करते हैं. अम्बेसडर, ये जो टाइम अभी है, दिस टाइम ऑफ ईयर, मार्च अप्रैल गोइंग इनटू द समर, इसको काफ़ी लोग बिजी सीजन कंसिडर करते हैं, स्पेसिफिकली जब लोग अपने प्लान्स बना रहे होते हैं इंडिया जाने के लिए, बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं समर में. तो इस बिजी सीजन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, जिस तरह आपने कहा है, स्पेसिफिकली इम्पैक्ट होंगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन योर वर्क फ्लो? देखिए, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर बिकॉज हाउ the world will look after we have combated COVID-19, I can't predict. But I'm sure seeing some examples, we have the example of China, we have the example of South Korea, they have been quickly able to overcome the curve. ये जो viruses हैं और epidemics हैं, ये एक bell curve को follow करती है, धीरे धीरे इसका progression होता है, फिर अचानक चढ़ जाती है, फिर ये climb down भी करती है और ख़त्म हो जाती है. तो आई एम श्योर इफ वी फॉलो दिस, बट ये टाइम पीरियड क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं. मैंने अमेरिकन एक्सपर्ट्स की बात सुनी है, एंटोनी फोची, डॉक्टर फोची की बात सुन रहे हैं, वो कई बार कह रहे हैं सितंबर तक चल सकता है. कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड, सो लेट अस सी हाउ द सिचुएशन इवॉल्व्स. बट आई फील दैट हाउ इंडिया डील्स विद द प्रॉब्लम विल अफेक्ट द ग्लोबल ट्रेंड्स बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन. And if we are able to successfully combat COVID, then I think normalcy will be restored sooner. Right. If we get too many cases in India, then it will be an issue. But the government is totally prepared, and it's इसमें सबसे बड़ी बात है कि पैनिक नहीं करना चाहिए. और आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच थी, एंड टुमारो देर इज जनता कर्फ्यू. उन्होंने रीजनल इनिशिएटिव भी ली है, सार्क की कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने की बात करी है, उन्होंने G20 में पहल करी है. और हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लीडरशिप है वो दूसरे कंट्रीज से बात कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटरनेशनल एफर्ट भी चल रहा है. हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज को भी मदद करी है, ईरान को, साउथ कोरिया को, चाइना को, और दूसरे कंट्रीज से मदद भी ले रहे हैं. जो एक ड्रग इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, क्लोरोक्विन, मलेरिया के लिए, उस पर सुनने में आ रहा है कि वो दैट कैन बी ए पोटेंशियल क्योर. इफ दैट इज सो, देन यू नो वी हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोक्विन, देन आई थिंक वी विल बी एबल टू डिफीट द वायरस. सो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ इट विल प्ले आउट. फॉर मी एट द मोमेंट आई एम लुकिंग एट 29th ऑफ मार्च एज द डेट वेन द ट्रैवल फ्लाइट्स मे रिज्यूम. And then I'm my deadlines and targets are slightly different. जी. My important date is 29th March. Okay. After that it is 15th April. Okay. First is when the flights may resume. The second is when the
visa suspension will be revoked. Okay. Let's see how these two dates play out. Okay. Then only I'll be able to make a comment. Ambassador, this is a little different from the current situation, which is all about stopping the prevention and the spread of the infection. But aapko long term mein aap kuch kehna chahenge ki US India ke relations kaise affect honge is virus ki wajah se? Dekhiye, sabse badi baat ye hai ki hamari jo relations hai wo bahut strong hai. और अभी भी although we have stopped the international flights, US is not placed India in the high alert state. So that means there is a lot of confidence in our abilities to contain the virus. Our numbers are still low. It will be a different world, I believe, because इस वायरस को टैकल करने का एक ही माध्यम है when you are open and transparent, when you admit कि आपके यहाँ क्या गलती हुई. और कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया. तो आई थिंक यू नो द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज पोस्ट कोविड विल बी मच मच स्ट्रॉन्गर. वी जस्ट हैड अ वेरी सक्सेसफुल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. और दूसरी बात यह कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अगर जो मेडिसिन की बात हो रही है, एंट्रो रेट्रोवायरल ड्रग्स कुछ कुछ हैं, और वो हमारे देश में खूब भारी संख्या में बनती है, भारी मात्रा में बनती है, तो हम अमेरिका की भी मदद कर पाएंगे उसमें, मुझे लगता है. तो वी हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट, बट आई बिलीव दैट यू नो देयर इज ऑल्सो बीन एन इकोनॉमिक हिट ऑफ द कोविड, एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस एंड हाउ टू हेल्प पीपल. And we'll see how it goes. जी Ambassador, thank you so much for your time. Any closing messages for our viewers? मेरी message यही रहेगा कि please follow instructions of your authorities, stay at home, connect with each other virtually, look us up on our social media platforms, do not panic. अगर आप panic करेंगे तो हम सब हारेंगे. और दूसरी बात यह है कि social distancing maintain कीजिए, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, बाहर मत जाइए और वायरस को फैलने में रोकिए. और दूसरी बात है कि हमारी हेल्पलाइन के नंबर्स आप दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को. अगर किसी भी शंका हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कॉल कीजिए. हम 24 आवर्स आपके कॉल्स लेने के लिए तैयार हैं. थैंक यू Ambassador, थैंक यू सो मच. यहाँ पे हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं. ऐसे ही हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, चाहे वो कोरोना वायरस के हों, ट्रैवल रिलेटेड, इकोनॉमिक और मेडिकल अपडेट्स यू नीड टू नो. आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए. फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन ईमेल अस एट info@justbroadcasting.com. इंडिया इन न्यूयॉर्क काउंसलेट की हैंडल्स है सोशल मीडिया पे, एंड इनकी जो हॉटलाइन सेटअप हुई है स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. फॉर एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, कॉल द काउंसलर, एंड स्टे सेफ. नमस्ते.